नमस्कार आदाब। आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नौशाद साहब की बरसी है आज, 5 मई 2006 को उनका इंतकाल हुआ था। हम सब जानते हैं नौशाद साहब कितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, कितने बेहतरीन इंसान थे। कई लोगों को उन्होंने मौका दिया, उमा देवी, फिर लता जी, फिर रफ़ी साहब। उनकी कौन कौन सी फिल्में हैं, दर्द हो, मुगले आज़म हो, बेजू बावरा हो, मेरे महबूब हो, उन सबको हम जानते हैं। और आज मैं एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, बस वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बारे में तो सब लोग काफ़ी बातें जानते हैं कि नौशाद साहब किस तरह के इंसान थे। तो हुआ यूँ कि महबूब खान साहब, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे मदर इंडिया जिन्होंने बनाई, आन बनाई, तो उनकी फ़िल्मों में नौशाद साहब म्यूज़िक दिया करते थे, शकील साहब गाने लिखते थे। तो महबूब खान बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो नौशाद साहब जब म्यूज़िक दे रहे थे तो महबूब खान साहब बार बार उन्हें टोक रहे थे कि आप ऐसा म्यूज़िक दीजिए, वैसा म्यूज़िक दीजिए, यहाँ ये रखिए, वहाँ वो रखिए। तो नौशाद साहब क्योंकि काबिल आदमी थे, अब वो परेशान, इतने बड़े आदमी को मना भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि महबूब खान साहब को किस तरह से मैं रास्ते पे लाऊं कि भाई मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। तो हुआ ये कि दूसरे दिन नौशाद साहब महबूब स्टूडियो चले गए, और वहाँ पर जब महबूब साहब शूटिंग कर रहे थे तो बार बार कैमरे के आगे आ रहा है, और महबूब साहब से कहते कि आप इस सीन को ऐसे शूट कीजिए, इस सीन को ऐसे शूट कीजिए। कभी खिड़की में से निकल आते, कभी पर्दे के पीछे से नौशाद साहब निकल आते। महबूब खान साहब परेशान हो गए, कहना कि आप क्या कर रहे हैं, ये मेरा काम है, मुझे करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मेरे काम में आप क्यों बोल रहे हैं। तो नौशाद साहब ने कहा, बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मेरा काम है आप मुझे करने दीजिए, आप मुझे क्यों टोक रहे हैं, म्यूज़िक देना मेरा काम है, वो मैं दूंगा और अच्छा दूंगा। वो दिन है, फिर उसके बाद महबूब खान साहब ने अपनी गलती मानी, और जब तक उन्होंने फिल्में बनाई सन ऑफ इंडिया तक, जिसमें नौशाद साहब का ही म्यूज़िक था, फिर महबूब साहब ने उन्हें कभी नहीं टोका, उनको कभी टोका ही नहीं। तो ये एक किस्सा था, और नौशाद साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। और एक शेर उन्हीं का याद आ रहा है, इसी किताब में है कि ये दुनिया जब तक कायम रहेगी नौशाद, कि दुनिया जब तक कायम रहेगी नौशाद, हमारे गीत दोहराती रहेगी। सही बात है। तो उनको मेरा सलाम उनकी बरसी पर, और इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।